विधायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी अगले 4 दिन जहां गांव के दौरे करेंगे, वहीं 25 तारीख से प्रदेश के हल्का लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बड़े जलसों की शुरुआत हम करेंगे। और मैं मानता हूं जिस तरीके से किसान कमेरे का जन समर्थन मिल रहा है, वो हरियाणा में एक बदलाव की भूमिका, एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में, जहां उनकी सरकार बने एक एक साल हो गया, वहां पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रहे। वही जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो 10 साल में पूरे कर सकते हैं। आज पिछड़ी जातियों के लिए यह कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे, इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो बीसी कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब। तो हरियाणा में क्या लगता है सर, कितनी आप सीट निकाल पाएंगे? मैं तो ये मानता हूँ पहले से दुगनी से भी ज्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, समर्थन हमें कोई भी। किंग मेकर की भूमिका करें आप लगातार। मैं किंग मेकर की भूमिका क्यों करूं? आज हमारा टारगेट है हमारी सरकार बने, हमारे गठबंधन की सरकार। मेरे सामने वो घटनाक्रम आया है, वो गांव का आपसी विवाद। कल रात को किसी के घर में जाकर वहाँ महिलाओं के साथ कुछ तल्ख टिप्पणी हुई है, उसके बाद की घटना है, ना कि मेयर से चर्चा के बाद की घटना। चौटाला जी का भी बयान है सर इसी बात को लेकर कि अगर कोई बात गलत है तो उस पर समझाना चाहिए, ऐसे करना तो कहना कहीं। मेरे तो संज्ञान में भी नहीं है, मैं तो डवाली था और आज आपके बीच में हूँ। अगर कोई होगा, पुलिस का काम है उस पर कार्रवाई कर। मगर कोई आधी रात किसी के घर में घुस जाए, कोई आपके घर में घुस जाए, आप क्या करोगे? बचाव में कुछ तो करोगे। ठीक है।